आज मैंने यहाँ पर एक ब्लॉग लिखा है शेयर ट्रेडिंग के बारे में, शेयर ट्रेडिंग टिप्स टिप्स के बारे में। उसका मैं हिंदी में अपना वीडियो बना रहा हूँ। उसमें मेरा सबसे पहला पॉइंट है ब्रोकरेज। तो शेयर ट्रेडिंग करते वक्त सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए ब्रोकरेज। किसी भी फॉर्म में हम जब डीमैट अकाउंट अपना ओपन करते हैं तो अपनी ब्रोकरेज हमें सबसे पहले देख लेनी चाहिए, अच्छी तरह से बार्गेन कर लेना चाहिए। ये शेयर ट्रेडिंग की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मोस्टली लोग नकार देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ब्रोकरेज को अच्छी तरह बार्गेन करके जितना भी कम से कम हो सके वो डिसाइड कर लेना चाहिए। उसके बाद है क्रेडिट लिमिट। हमें अपने ब्रोकरेज फर्म से क्रेडिट लिमिट के बारे में भी पूछ लेना चाहिए कि क्या क्रेडिट लिमिट हमें प्रोवाइड कराई जाएगी। क्रेडिट लिमिट होती है कि जैसे मैं 1 लाख के शेयर परचेज कर देता हूँ, 1 लाख के कैश परचेज करता हूँ या 1 लाख रुपये अपने शेयर ट्रेडिंग अकाउंट में डालता हूँ, डीमैट अकाउंट में डालता हूँ, तो उस 1 लाख के आगे मेरे को ब्रोकरेज फर्म कितनी और क्रेडिट या उधार पर मेरे को पैसा दे, उधार पर शेयर खरीदने के लिए लिमिट दे सकती है। मतलब मैं कितने उधार 1 लाख के आगे कितना उधार पे खरीद सकता हूँ, वो क्रेडिट लिमिट होती है। वो भी हमें सबसे पहले चेक कर लेनी चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज, ब्रोकरेज फर्म क्या क्या ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है वो हमें चेक कर लेना चाहिए। किसी भी शेयर ट्रेडिंग को शुरू करने से पहले अपने रिलेशनशिप मैनेजर से अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कौन है, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें हमें अपने पास रखनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर एकदम से हम अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकें। उसके बाद हमें सेक्टर स्पेसिफिक स्टडी करनी चाहिए। शेयर ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमें देख लेना चाहिए या स्टडी करनी चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, हर इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर होते हैं, जैसे मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। तो हमें 2-3 सेक्टर, अच्छे अच्छे सेक्टर चूज करके उनके बारे में स्टडी कर लेनी चाहिए। उन सेक्टर में से फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स को चेक करके और उन स्टॉक्स में से कंपैरिजन करके डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक का, उनमें से कुछ स्टॉक पिक कर लेने चाहिए, उनकी स्टडी करनी चाहिए। पहले उनकी फाइनेंशियल स्टडी करनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टडी में बेसिकली क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है, रिवेन्यू क्या होती है, पी रेशो चेक कर लेनी चाहिए, उसके पास्ट एक्सपीरियंस क्या है वो चेक कर लेना चाहिए, डिविडेंड कितना दिया है, कब कब दिया है, बोनस क्या दिया है, इन चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए। उसकी उस स्टॉक के में और जितने भी स्टॉक हैं उस ग्रुप में, उससे रिलेटेड उन ग्रुप स्टॉक को भी हमें देख लेना चाहिए कि वो जो स्टॉक हमने चूज किया है वो बाकी ग्रुप स्टॉक से कैसा है, किस तरह से परफॉर्म किया है। और स्टॉक के चूज करने के बाद में हम उस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री से हमने स्टॉक पिक किया है उस इंडस्ट्री का पीई क्या है, प्रॉफिट अर्निंग रेशो क्या है, हमारा पीई रेशो क्या होता है वो भी देख लेना चाहिए। और उस पीई रेशो को हमें अपने शेयर जो हमने पिक किया है उसकी पीई रेशो से उसको कंपैरिजन कर लेना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस कर लेना चाहिए, करंट सिनेरियो, आजकल शेयर ट्रेडिंग में करंट सिनेरियो क्या चल रहा है मार्केट में, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है, ये चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद जब हम शेयर ट्रेडिंग करने लगते हैं तो हम शेयर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा के हमें शेयर ट्रेडिंग करनी चाहिए ताकि अचानक से अगर कोई न्यूज़ आती है, कोई प्रॉब्लम होती है मार्केट के अंदर, तो आप मिनिमम जो अपना लॉस है वो ही आप सहन कर पाएं। ऐसा ना हो कि आप शेयर, कोई भी शेयर धड़ाम से बहुत नीचे गिर जाए और आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। क्विक डिसीजन लेना, ये भी एक शेयर ट्रेडिंग की टिप्स है। शेयर ट्रेडिंग की टिप्स में क्विक डिसीजन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई भी न्यूज़ आता है, किस तरह का काम होता है जो भी, उसके लिए हमें एकदम से डिसीजन लेना पड़ता है। तो क्विक डिसीजन के लिए भी आपको ही हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए क्या हमने किस चीज़ में ट्रेडिंग की थी, क्या हुआ था, कैसे लॉस हुआ था, कब खरीदा था, किस लेवल पे खरीदा था, कौन सा स्टॉक था, उससे भी हमें सीखना चाहिए। शेयर ट्रेडिंग में सबसे बड़ी एक और चीज़ है कि अपने इमोशंस को आपको एक तरफ रखना चाहिए। इमोशंस के साथ आपको शेयर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इमोशन अलग चीज़ है और शेयर ट्रेडिंग एक डिफरेंट चीज़ है। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि यार ये शेयर है, ये शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इमोशन, आपने उसकी कोई टेक्निकल एनालिसिस, उसके पीई रेशो वगैरह एटसेट्रा फाइनेंशियल नहीं देखे और अपनी इमोशन से आप कह रहे हैं कि शेयर बढ़ेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहना चाहिए, एक ही स्ट्रेटजी हमेशा नहीं अपनानी चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक, पुरानी जो उस परफॉर्मेंस है उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें शेयर ट्रेडिंग
मतलब शेयर ट्रेडिंग के बारे में आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फेसबुक पे और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको वर्चुअल करेंसी के साथ शेयर ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जाता है। तो आप वहाँ पे जाकर अपना अकाउंट खोल के स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्चुअल करेंसी वर्चुअल शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं जो रियल मनी में नहीं होता है, बट शेयर उसमें सभी एक्चुअल्स होते हैं, उनके बारे में वहाँ पे जाके भी आप अपने को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थैंक यू।